यूपी में चुनाव के बीच बीजेपी के साथ आया एक और दल समर्थन का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। राज्य में 39 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब 5वें चरण के तहत 14 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में एक और दल का समर्थन बीजेपी को मिल गया है। इस दल के आने से बीजेपी को पूर्वांचल में ओबीसी वोटर्स को एकजुट करने में मदद मिलेगी। दरअसल 5वें चरण की वोटिंग से पहले महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। केशव देव मौर्य ने समर्थन देने का ऐलान करते हुए एक समर्थन पत्र भी सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे एनडीए उम्मीदवार की जीत के लिए पूरी मेहनत करेंगे। केशव देव मौर्य ने कहा कि उन्होंने सपा से अलग होने का फैसला कर लिया है। सपा के साथ उन्होंने अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा था। हमने वहां हो रही अपेक्षा के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ आने का फैसला किया। अखिलेश यादव ने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे अपने बगल में नहीं बैठाया था। यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुझे अपने बगल में बैठाया है। इससे पहले बीते दिनों केशव देव मौर्य ने कहा था कि मेरे गृह जनपद जौनपुर में मेरा अपमान करने वाले प्रत्याशी को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। जितना जोर लगाना हो सब मिलकर लगा लो। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी ने समर्थन वापस लेते हुए एक पत्र लिखा था जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पत्र शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज महान दल ने दुखी मन से समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया।